हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और पिछले लेक्चर में हमने लियाओलीज़ थ्योरम का प्रूफ किया था, ठीक है, लियाओलीज़ थ्योरम का प्रूफ किया था और उसको अच्छे से समझा था कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम एक तो प्रिंसिपल प्रूव करेंगे, वो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज, ठीक है। पहला तो ये है, और जो दूसरा हम जो करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मतलब फ्रॉम लियाओलीज़ थ्योरम, ठीक है। तो जो पहला हम करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज, ठीक है। हम क्या लेंगे, फेज स्पेस लेंगे, ठीक है। ये है आपका क्यूज इधर, ये है आपके पीज, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें देखो हम क्या करते हैं इस बार कि एक हाइपर वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है। मान लो कि वो हाइपर वॉल्यूम कुछ इस तरह का यहां पर है, ठीक है। इतना बड़ा ये हाइपर वॉल्यूम है जिसको हमने बोल दिया डेल्टा गामा, ठीक है, क्योंकि ये गामा स्पेस है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये गामा स्पेस है। तो ये मान लीजिए एक डेल्टा गामा, एक हाइपर वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस हाइपर वॉल्यूम को एक हाइपर सरफेस से हम बाउंड करते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक हाइपर सरफेस इसको क्या करता है, इसको एनक्लोज करता है। एक हाइपर सरफेस वो इस हाइपर वॉल्यूम को क्या करता है, एनक्लोज करता है। अब देखो भाई, फेज स्पेस में क्या होता है, जो फेज पॉइंट्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, या फिर कह सकते हो टाइम के साथ फ्लो करते हैं, ठीक है। ये बात हमने देखी थी, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो मान लीजिए कि टाइम टी नॉट पर इसके जो पॉइंट्स है वो है क्यू टी नॉट और पी टी नॉट, ठीक है। अब आप कुछ टाइम के बाद आप देखते हो तो ये क्या करता है, ये मूव होके कुछ यहां पर आ जाता है, ठीक है, यहां पर आ जाता है। और उस टाइम ये इसकी नई पोजीशन है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्यू टी और पी टी ये होंगे, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, देखो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज, मतलब ये जो हमने हाइपर वॉल्यूम जो कंसिडर किया है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो हाइपर वॉल्यूम जो हमने कंसिडर किया है ये बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज, मतलब जैसे जैसे टाइम इवोल्व होता है, ठीक है, जैसे टाइम इवोल्व होता है तो ये एक्सटेंड नहीं होता, ये जो वॉल्यूम है ये आपका कॉन्स्टेंट रहता है, टाइम के साथ ये एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये हम प्रूव करना चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मानेंगे ये जो हाइपर वॉल्यूम हमने माना है ये है आपका डेल्टा गामा, ठीक है। पहला लिख देता हूं हाइपर वॉल्यूम क्या है, डेल्टा गामा, ठीक है। अब देखो ये इतना छोटा है, मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज स्मॉल इनफ दैट फॉर द डेंसिटी डी टू बी डी या फिर कह सकते हो रो टू बी टेकन एज यूनिफॉर्म, ठीक है। ये इतना छोटा है कि इसमें जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है, मान लो 2 है, 4 है, 10 है, 15 जितने भी है, ठीक है, वो क्या है, वो आप यूनिफॉर्म ले सकते हो, इतना छोटा है ये, ठीक है। हाँ, ये आप समझ गए, ठीक है। अब देखो जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स वो किससे देते हैं, वो देते हैं डेल्टा एम से, ठीक है। वो क्या होंगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेल्टा गामा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अभी अब हम क्या करना है, अब हमें कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन देखना है। कंजर्वेशन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए क्या कर दो, इसका टाइम डेरिवेटिव कर दो। तो टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, डी ओवर डी टी, ठीक है, डेल्टा एम, ठीक है, इक्वल्स टू
डी डी ओवर डी टी डेल्टा गामा, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, देखो इस पहले हमने इसका कर दिया, इसको छोड़ दिया, अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसका कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी हमने छोड़ दिया और ये बन गया डी ओवर डी टी ऑफ डेल्टा गामा। लियाउली थ्योरम क्या कहती है, ये वाला जो टर्म है मतलब कि जो डेंसिटी है वो क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती फेस पॉइंट्स की, तो यहां से क्या रिजल्ट आता है, ये तो बन जाएगा हमारा जीरो, तो ये हमारा आ जाता है डी ओवर डी टी डेल्टा एम इक्वल्स टू डी डी ओवर डी टी डेल्टा गामा, ठीक है। अभी हमारा यहां तक हुआ है, अब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो हाइपर वॉल्यूम है वो क्या है, किसी हाइपर सरफेस से एनक्लोज्ड है, ठीक है, एक हाइपर सरफेस से एनक्लोज्ड है, फिर कह सकते हो बाउंड है, वो हाइपर सरफेस कितना डायमेंशनल होगा बताओ भाई, देखो जैसे आपका मान लो एक थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी वॉल्यूम कंसिडर करते हो, ठीक है, वॉल्यूम किसमें होगा, थ्री डायमेंशन में, ठीक है, इस वॉल्यूम को जो सरफेस एनक्लोज करेगा वो क्या होगा, वो होगा टू डायमेंशनल में, ठीक है ना, सरफेस तो टू डायमेंशनल में ही होता है ना, कैसे, इसका एक डायमेंशन कम हो जाता है, सही है ना, इस वॉल्यूम को जो सरफेस एनक्लोज करेगा वो सरफेस क्या होगा, टू डायमेंशनल, वैसे ही यहां पर ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो वॉल्यूम क्या है, देखो मैं लिख देता हूं, जो वॉल्यूम है वो तो है आपका 2f डायमेंशनल, ठीक है, तो जो जो सरफेस होगा हाइपर सरफेस, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा 2f माइनस 1 डायमेंशनल, ठीक है, उसका वो क्या होगा 2f माइनस 1 डायमेंशनल, ठीक है, इतनी बात हुई। अब मैं क्या बताता हूं कि देखो जैसे जैसे ये फेज पॉइंट्स मूव होते हैं, ये हमने देखा था फेज पॉइंट्स है वो फ्लो हो रहे हैं लियाउली थ्योरम में, जैसे जैसे ये फ्लो होते हैं तो भाई इसमें से तो वो जाते नहीं है, इसमें से तो वो फेज पॉइंट्स जाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री को ही पुश करेंगे, ठीक है ना, वो जो फेज पॉइंट्स है जो इसके बाहर है वो क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, ठीक है, हाँ पहली बात है कि वो पुश करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका टाइम के साथ क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये बात हमें पता है, लेकिन लेकिन स्टेटमेंट क्या है, द फेज पॉइंट्स कैन नाइदर एंटर नॉर लीव द बाउंड्री, ठीक है, जो फेज पॉइंट्स है जो इसके बाउंड्री के बाहर हैं, ये जो सरफेस है इसकी बाउंड्री के बाहर है, वो ना तो एंटर हो सकते हैं और ना ही इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन ईच फेज लाइन a definite phase velocity is associated। हमने क्या देखा था कि इसमें जैसे मान लो कोई भी फेज लाइन है, ठीक है, ये जो हाइपर वॉल्यूम है ये किसी फेज लाइन के ऊपर ही है, ठीक है, ये तो हमने देखा था, तो क्या होता है कि जो फेज लाइन है इसका हर एक पॉइंट के लिए फेज वेलोसिटी अलग अलग होता है या फिर डिफाइनाइट होता है, ठीक है, अलग अलग होता है और डिफाइनाइट होता है, इसलिए क्या है कि ये जो हमने हाइपर वॉल्यूम जो कंसिडर किया है वो टाइम के साथ क्या होगा, इधर उधर तो मूव हो जाएगा, लेकिन क्या है कि जो नंबर ऑफ जो फेज पॉइंट्स है वो इसके अंदर से फ्लो नहीं हो सकते, ठीक है, इसके अंदर से फ्लो नहीं हो सकते। अब देखो, अब अगर आप इसके अंदर बैठ के देखोगे, ठीक है, इसके अंदर बैठ के देखो तो आपको क्या लगेगा कि जो फेज पॉइंट्स हैं, जो बाउंड्री के ऊपर जो फेज पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या बना लिया है, एक कंटिन्यूअस स्किन बना ली है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको एकदम स्टेशनरी से दिखेंगे ना वो फेज पॉइंट्स, ठीक है, एक कंटिन्यूअस परमानेंट स्किन बना ली उन्होंने, ठीक है, हाँ। अब देखो, और जो फेज पॉइंट्स है जो इसके बाहर है वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, अब इससे एक रिजल्ट निकल के आता है हमारा,
ठीक है। देखो जो मैंने क्या बोला, ये जो हाइपर सरफेस है इसके बाहर जो फेस पॉइंट्स है वो इसके अंदर से भी फ्लो नहीं हो सकते, ठीक है, और इसकी बाउंड्री पे ही रहेंगे, वो जो इसकी बाउंड्री पे वो इसकी बाउंड्री पे ही रहेंगे। और अगर आप अंदर बैठ के इसको देखते हैं तो आपको क्या लगेगा कि वो एक परमानेंट, उन्होंने एक स्किन बना ली है, ठीक है, ये आपको लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक रिजल्ट आ रहा है हमारा, वो रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये जो डेल्टा एम है, जो नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स है इस हाइपर वॉल्यूम के अंदर, इस हाइपर वॉल्यूम के अंदर जो भी नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स, नंबर डेल्टा एम है ना इन रीजन डेल्टा गामा मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि देखो वो अंदर आ जा नहीं सकते और वो सिर्फ बाहर बाहर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स है वो उसके अंदर ही है, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर ये कांस्टेंट है डेल्टा एम, तो डी ओवर डी टी डेल्टा एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी डेल्टा एम वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये अगर आप जीरो पुट करते हैं तो अब हमारा भाई फाइनल ए को रिजल्ट आ जाता है, डी ओवर डी टी डेल्टा गामा इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ये क्या बताता है, द वॉल्यूम डेल्टा गामा, और आप क्या कह सकते हो, एक्सटेंशन इन फेज इन गामा स्पेस बाउंडेड बाय ए मूविंग सरफेस, ठीक है, ए मूविंग सरफेस एंड कंटेनिंग डिफाइनाइट नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स, ठीक है, does not change with time, ठीक है, in spite of displacement and distortion, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जो मैंने बोला है ना ये बिल्कुल वही है, ये क्या बोला, जो वॉल्यूम जो हमने कंसीडर किया डेल्टा गामा वो क्या है, एक्सटेंशन इन फेज स्पेस, ठीक है, डेल्टा गामा क्या है, एक्सटेंशन इन फेज स्पेस। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसका मतलब वो कंजर्व नहीं है, जो एक्सटेंशन है फेज स्पेस के अंदर, ठीक है, और अगर वो चेंज हो रहा है इसका मतलब वो कंजर्व नहीं है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कंजर्व है, ठीक है। जो हमने वॉल्यूम कंसिडर किया वो क्या है, बाउंडेड बाई ए मूविंग सर्फेस, ठीक है, एक सर्फेस से बाउंडेड है, कंटेनिंग डिफाइनाइट नंबर ऑफ फेस पॉइंट, उसके अंदर डिफाइनाइट नंबर ऑफ फेस पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होता है, डज नॉट चेंज विद टाइम, वो क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको डिस्प्लेस कर दो या फिर डिस्टॉर्ट कर दो, ठीक है, डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, वो टाइम के साथ फेज पॉइंट्स भी आपके मूव हो रहे हैं तो वो वॉल्यूम भी मूव होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मूव होता है तो आपका ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लियावलीज थ्योरम, ठीक है, लियावलीज थ्योरम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वो कैसे दी जाती है, हम यूज करेंगे पॉइजन ब्रैकेट का, पॉइजन ब्रैकेट वो क्या होते हैं, देखो अगर आपका एफ है जी है, ठीक है, इनका पॉइजन ब्रैकेट ऐसे दिया जाता है, बेस है क्यू और पी, ठीक है, तब क्या होगा, समेशन ऑफ आई डेल्टा एफ ओवर डेल्टा डेल क्यू डेल जी ओवर डेल पी, ठीक है, माइनस डेल जी ओवर डेल क्यू और डेल एफ ओवर डेल पी, ठीक है, इससे दिया जाता है क्या, पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा वो इक्वेशन लिखते हैं जो हमारा डेंसिटी था ना, डेंसिटी डी वो क्या था, क्यू पी और टी, इसका ही तो फंक्शन था, तो हम इसको इसका टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या आता है, डी ओवर डी टी इक्वल्स टू डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है, प्लस में समेशन आई डेल डी ओवर डेल क्यू आई
डी क्यू आई ओवर डी टी ये लिख सकते हैं, प्लस में समेशन ओवर आई डेल डी ओवर डेल पी आई डी पी आई ओवर डी टी ये लिख सकते हैं हम। देखो पहला तो हमने टाइम के लिए कर दिया, ठीक है, टाइम के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, साथ में डी ओवर डीटी ओवर डीटी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका हमने क्या किया, पहले क्यू आई के रिस्पेक्ट में किया और वैसे हमने पी आई के रिस्पेक्ट में किया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, किन की वैल्यू, इनकी वैल्यू, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू आई डॉट लिख सकते हैं, और वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं पी आई डॉट। वो कैसे दिया जाता है, वो हैमिल्टन इक्वेशन से दिया जाता है, जो क्यू आई डॉट है वो आपके इक्वल होता है डेल एच ओवर डेल पी आई, वैसे ये जो पी आई डॉट होता है वो होता है आपके माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू आई, ठीक है। जो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा डेल डी ओवर डेल टी प्लस समेशन ओवर आई, ठीक है, ये क्या बन जाएगा डेल डी ओवर डेल क्यू आई, ये तो ऐसा कैसा, फिर इसके वैल्यू हम पुट करेंगे तो डेल एच ओवर डेल पी आई रख सकते हैं, माइनस साइन आ जाएगा इस बार, ठीक है, यह आ जाएगा डेल डी ओवर डेल पी आई, ठीक है, इनटू में डेल एच ओवर डेल क्यू आई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो, अब ये क्या बन गया, ये हमारा पोजन ब्रैकेट बन गया ना, तो ये लिख सकते हैं हम डेल डी ओवर डेल टी प्लस ये लिख सकते हैं हम पॉइजन ब्रैकेट ऑफ डी और एच का, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया डी डी ओवर डी टी, ठीक है भैया। अब हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो टर्म है डी डी ओवर डी टी, ये हम फ्रॉम लियावलीज थ्योरम क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, ये इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है कह सकते हैं हम, हाँ ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमारा क्या बना, अब हमारा ये रिजल्ट बना डेल डी ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस डी एच, ठीक है, पोसन ब्रैकेट ऑफ डी एंड एच। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम ये बोलते हैं कि वी शैल डील ओनली विद दोस एनसेम्बल्स फॉर विच डी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। अब हम क्या बोलते हैं कि देखो, हम स्टैटमैक में, ठीक है, जो एनसेम्बल हम जो स्टडी करेंगे, ठीक है, उनके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो डेंसिटी है वो टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, हम उन्हीं के साथ हम डील करेंगे, मतलब हम उन्हीं को स्टडी करेंगे जिनके लिए जो डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मतलब वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है टाइम का। तब क्या होगा, तब उस केस में डेल डी ओवर डेल टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए, ये हो गया दी स्टेशनरी एनसेम्बल डिस्क्राइब्ड बाय डी क्यू पी और रो क्यू पी, ठीक है, इस सेम फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो अगर वो टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा तो यहां से टी उड़ जाएगा, ठीक है, ये टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तब क्या होगा, जो स्टेशनरी एनसेम्बल है वो क्या होंगे, इस डेंसिटी फंक्शन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट्स सेम फॉर ऑल टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम इवोल्व होता है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहां से हम क्या दे सकते हैं कि जो, चाहे आप डी लिख दो चाहे रो लिख दो, एक ही बात है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल रो ओवर डेल टी वो क्या हो गया जीरो, और यहां से आप ये क्या आपका रिलेशन आ गया, रो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पी पे, वो क्या हो जाएगा एच के साथ, उसका पोसन ब्रैकेट वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ मोशन कब है, जब ये जो आपका डेंसिटी है डी है वो क्या है, टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तब है। तो भाई आपकी लियावलीज थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।